EFA and CFA using IBM SPSS 24, MOS 24, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis. इससे पहले हमें जरूरी है कि what is overall research model जिसमें हम लोगों ने चलना है. Basically जब भी हम किसी भी research को start करते हैं, सबसे पहले जरूरी है कि थ्योरी आपके पास होनी चाहिए जिस थ्योरी को आप लोग प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि हम अभी क्वांटिटेटिव फोकस के साथ हैं, डिडक्टिव अप्रोच को यूज कर रहे हैं. डिडक्टिव अप्रोच में थ्योरी को टेस्ट करना होता है, तो थ्योरी को सबसे पहले आप लोगों ने ढूंढना है, डिजाइन करना है. जिस तरीके भी आपके पास एक थ्योरी होना जरूरी है, जब थ्योरी आएगी तो फिर आप लोगों के पास क्या करेंगे, उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे, उसके कंस्ट्रक्ट को ढूंढेंगे या उसके कंस्ट्रक्ट को बनाने की कोशिश करेंगे. जब कंस्ट्रक्ट्स आपके पास आ जाएंगे तो फिर आप डेटा कलेक्शन की तरफ चले जाएंगे. जब डेटा कलेक्शन की फेज में आप लोगों ने आना है तो अल्टीमेटली आपके पास दो ऑप्शन है. अगर तो आपका स्केल डेवलप्ड है, देन यू विल डायरेक्टली मूव टू सीएफए, डायरेक्टली मूव टू, आप कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस पर काम करेंगे, क्योंकि आपका स्केल डेवलप्ड है. आप अपनी तरफ से बिलीव भी कर सकते इसमें कौन सी आइटम को हम डिलीट करें, कौन से आइटम को रखें. अगर तो आपने स्केल खुद से डेवलप किया है, पर्टिकुलरली मोस्टली पीएचडी का हिस्सा होते हैं, साइकोलॉजी के लोग डेवलप करते हैं, तो वो फिर लोग जाएंगे एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस पर. तो डिफरेंस मैंने क्या बता दी कि जब भी आप लोगों ने स्केल डेवलप करने की बात करनी है तो लोग एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस की बात करेंगे जब स्केल डेवलप होगा. लेकिन जब आप किसी का बना बनाया स्केल यूज करते हैं, सेम टू सेम, उसमें किसी भी एक फीसद भी जो है वो चेंज नहीं करते, तो देन आप लोग कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस के अंदर जाते हैं, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं. अब आपके पास ऑप्शन है कि फर्ज करें कि आपकी थ्योरी नहीं है और इसका पहले से स्केल डेवलप नहीं हुआ हुआ, तो आप लोग फिर क्या करेंगे कि आप एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस पहले परफॉर्म करेंगे. जब ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो हमारा कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस होगा. उस सूरत में भी हम लोग एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस ही करते हैं, मतलब कि पहले हम ये देखते हैं कि हम कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस रन करते हैं. अगर तो हमारी वैलिडिटी को कोई इशू नहीं आ रहा तो फिर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर मॉडल की तरफ मूव कर देंगे. अगर हमारे डाटा के अंदर वो जो मुख्तलिफ, मेरा पर्टिकुलर थीसिस था तो मैंने चार मुख्तलिफ जगह से स्केल उठाया तो मुझे इशू आ रहे थे, तो फिर मैंने उसके अंदर इन डेप्थ नहीं, स्लाइटली ऊपर ऊपर से एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस को परफॉर्म किया, ताकि ये चेक कर सकूं कि किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है और फिर बात करेंगे. और याद रखिएगा कि आप दुनिया का कोई भी स्केल आप उठा लें, अंटिल अपटिल दोनों की प्रॉपर्टी सेम ना हो, मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब सेटिस्फेक्शन विद पे और जॉब सेटिस्फेक्शन विद एनवायरमेंट है, तो ये दोनों डिफरेंट डायमेंशन प्रूव हो चुके हैं. लेकिन बाद में कुछ स्केल ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिल रही होती है. अब वो आपने चूज करना कि इन दोनों की प्रॉपर्टी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो आप दूसरे जगह से उठाएं और डाटा आप लोगों का बिल्कुल जेन्युइन ठीक कलेक्ट हुआ, तो मैं नहीं समझता कि आपका सीएफए प्रूफ ना हो. हम तब ईफे में घुसते हैं जब हम नए स्केल की बात करते हैं. मैं बार बार कह रहा हूँ लोगों का, आज हम एक पेपर शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ, वो एक डिस्कशन थी, छह सात प्रोफेसर बैठे, वो लोग कहते हैं सीएफए होता है, ईएफए नहीं होता, लोग कहते हैं ईएफए होता है, सीएफए नहीं होता, उनकी आपस में बहस शुरू हो गई. वो फोकस ग्रुप हुआ हुआ, वो पूरा फोकस ग्रुप है कि किस प्रोफेसर ने क्या आर्गुमेंट किया और समझ किया उन लोगों ने, कि हर आदमी का अपना अपना बिलीव है, ठीक है. मोस्ट में लोग कहते हैं कि ईएफए परफॉर्म नहीं होता, मैं कहता हूँ परफॉर्म होता है. लोग कहते हैं कि एसपीएसएस में ईएफए परफॉर्म होता है, सीएफए के टेस्ट करने के लिए आप लोगों को एक मोस्ट जाना पड़ता है जी, मोस्ट की जरूरत नहीं, आप सीएफए इसी में परफॉर्म कर सकते हैं एसपीएसएस के अंदर. अब हर आदमी का अपना व्यू पॉइंट है, मैं किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहा. मैं हम पे वैल्यूज आती हैं कि हमने चीजों को किस तरीके से बेहतर करना ना, वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या कॉन्सेप्ट रखते हैं. लेकिन वो डिस्कशन पेपर आज के जो लेक्चर में शुरू करूंगा कि व्हेन टू यूज ईएफए, वो पेपर पूरा डिस्कशन पेपर मिलेगा. अगर आप इंटरेस्टेड इन डेप्थ पढ़ने के लिए तो उस पर डिस्कशन को पढ़ेगा, लोगों ने क्या क्या राय दी है अपने, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है. तो मैं आपके सामने अपने बिलीव के जो मैंने अपना पढ़ा हुआ ये है
कि जब भी आप लोगों के स्केल फिट नहीं होता, आपका कन्फर्मेटरी फैक्टर नेचुरल परफॉर्म नहीं हो रहा, आपके नहीं बैठते, तो आपने आइटम डिलीट करनी है। जब आइटम डिलीट करने की बारी आएगी तो मीन योर परफॉर्मिंग रिएक्टर। अब EFA आइटमाइज भी होता है, EFA में ग्रुप आइटमाइज भी होता है, और बेसिकली EFA ही शुरू होता है जो कि CFA पे खत्म होता है, EFA स्टार्टिंग पे। लेकिन अगर इसको जनरली बिल्कुल स्लाइटली इंतहाई इजी तौर पे ले, अगर आपने स्केल डेवलप किया तो यू विल स्टार्ट विद EFA, अगर आप लोगों ने स्केल डेवलप नहीं बना बनाया स्केल लिया यू विल डू CFA। लेकिन इन दोनों सूरतों के अंदर, इसमें तो डाटा नॉर्मेलिटी का इशू नहीं है, लेकिन इन सूरत में आप लोगों का डाटा सारे वो मेजरमेंट चीजें फिट कर रहा हो जिस आदमी ने उसका स्केल डेवलप किया था। उसने बताया होता है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में यूटर स्केल डेवलप हुआ, उसमें बताया होगा आर स्टडी के अंदर कौन कौन सी चीजें यहाँ पे कंट्रोल करनी है, कौन कौन सी चीजों को आपने लेके चलना है। अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, यू हैव टू, तो उसको लेके चलना है आपने। EFA के बाद CFA। अब ये CFA बेसिकली इज आल्सो अ मेजरमेंट मॉडल, ये इमोस के अंदर रन होता है, मेजरमेंट मॉडल भी CFA ही होता है। मतलब टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द डेटा, हम इमोस के अंदर जो परफॉर्म करते हैं वो मेजरमेंट मॉडल होता है, वो CFA होता है बेसिकली, CFA के बाद CFA। तो ये CFA की बेस की बिना पे फिर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर मॉडल बनाते हैं। लास्ट लेक्चर हमारा यहाँ से शुरू हुआ था बिल्डिंग स्ट्रक्चर मॉडल, उसके पे हम लोगों ने मॉडिफाइड पाथ के हमारा बेसिक्स एक्सप्लेन किसमें ज्यादा हो रहा है, जिसमें पाथ ड्रा किए थे, फिर उसको टेस्ट करके थ्योरी को रिजेक्ट सपोर्ट करना या सपोर्ट नहीं करना। तो लास्ट में हमारे ये वाली चीजें हुई थी। आज हम आप लोगों को EFA और मेजरमेंट मॉडल CFA, अगर मैं मल्टी ग्रुप एनालिसिस, मल्टी ग्रुप CFA तो नहीं परफॉर्म कर रहे, कंडक्ट मल्टी ग्रुप से, CMB आपको मैं सिखाऊंगा, इसकी भी काफी सारी टाइप है CMB, कॉमन मेथड बायस है, लेकिन आज हम जो CFA करेंगे विदाउट CFA के CMB मतलब कॉमन मेथड बायस के बगैर करने वाले हैं। ये अगर टाइम मिला ये करवा दूंगा, ये नेक्स्ट क्लास के हिसाब मल्टी ग्रुप एनालिसिस के अंदर करने वाला हूँ। तो CFA हम शुरू करेंगे, तो आज हम अभी बेसिकली EFA और EFA को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम SPSS कि उसकी assumption की बेस पे चलें। याद रखिए EMOS is also SPSS, लेकिन वो एक additional plugin है जो कि multiple और complex analysis के लिए उसको design किया गया on the basis of covariance-based approach। और लास्ट में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था family tree of SEM, जिसमें मैंने बात की कि पहले जो पुराने टेस्ट की बात करते हैं वो टी टेस्ट थे, सिंपल टेस्ट थे जो यूज हुआ करते थे। इज द डिफरेंस बिटवीन सैंपल ओने वेरिएबल सिग्निफिकेंट, मतलब दोनों सैंपल में डिफरेंस है कि नहीं है। दूसरी तरफ फिर आ गए वो यूनिवेरिएट टाइप एनालिसिस थे, फिर बाइवेरिएट एनालिसिस आ गए जिसमें कोरिलेशन आती है, इज द कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल सिग्निफिकेंट और नॉट, ठीक है ना। मतलब वो थ्योरी टी टेस्ट लोग नोवा, नोवा से फिर मल्टीवे नोवा, फिर रिपीटेड मेजर, फिर ग्रोथ कर्व एनालिसिस, ठीक है ना, आने शुरू हो गए। बाइवेरिएट में मल्टीपल रिग्रेशन आ गई, पाथ एनालिसिस, अब स्ट्रक्चर मॉडलिंग। एक तो तरीका ये वाला जो हम सिंपल मूव करके चलते हैं, जो हम लोगों ने पहले सेमिनार और दूसरे सेमिनार में चीजें कवर की। लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट चलते हैं तो आपका मल्टीपल सैंपल मल्टीपल वेरिएबल ओवर टाइम इंक्रीज होते चलेंगे, तो आपका फिर आखिर ऑप्शन बनती है कि मल्टी वेरिएबल ओवरऑल मॉडल, मेजरमेंट मॉडल, ये चीजें तो आप कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारा फैक्टर एनालिसिस आता है EFA CFA देन मूव टू स्ट्रक्चर मॉडल इन दिस थिंग। नो डाउट के अभी तक मेरे सेमिनार जो है वो बाईवेरिएंट मल्टीपल पाथ स्ट्रक्चर ये हो चुका है, जैसे नोवा टी टेस्ट करवा चुका हूँ, ये आने वाले दिनों में भी इसमें पाकिस्तान में लोग यहाँ टेस्ट की बड़ी स्ट्रांग वर्क है। जरूरी नहीं कि हम लोग नॉर्मल पाकिस्तान में डाटा नॉर्मल नहीं मिलता, आपका डाटा नॉर्मल नहीं है, यकीन जानिए आप इनोवा रिपीटेड मरीज की तरफ आ रही है, इसकी बेस पर जो देना शुरू कर दें। अक्सर जो दो थ्योरियों को आपस में मिलाना है, जिस तरह आप बात कर रहे थे थ्योरी, उसमें हम इन वाले टेस्टों को यूज करेंगे, डाटा को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़े स्ट्रांग है और ये पर्टिकुलरली मार्केटेबल स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन यूज नहीं हो रहे, बट इंशाल्लाह अगर ना लोग सेमिनार में इंटरेस्ट लोग कम शो करते हैं इसलिए हम इसमें फोकस नहीं करते, बट आई डिलीवर लेक्चर उन वीडियोज इसकी मिलेंगी जो लोग सीखना चाहते हैं, बाकी फैक्टर एनालिसिस आप सीखते हैं। तो इट मीन दीज आर द मैक्सिमम फाइव सोशल साइंटिस्ट जो आपके सामने नजर आ रहा है। अगर इन सारे टूल्स का आपको पता है, रन करने का पता है, दुनिया के किसी किस्म का भी सोशल साइंस का पेपर हो इसी के अंदर है, इसके बाद नहीं है। हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया कि हम दो ग्रुप का डाटा नॉर्मल हो या ना नॉर्मल हो, हम वो नहीं देखेंगे, देखते हैं दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है। अगर डिफरेंस होता है तो फिर देखते हैं कितना डिफरेंस है, फिर अगर उनमें एसोसिएशन है, डिफरेंस नहीं है उनमें एसोसिएशन है, फिर वो कितने एक को छेड़ने से दूसरे में, एक को छेड़ने से दूसरे में कितने चेंज आता है, तो ये सारे टेस्ट बिना पे चलते हैं। मतलब ये बेसिक टेस्ट है, टी टेस्ट, जी टेस्ट,
पी वैल्यू, इफेक्ट साइज, पावर, ये सारे इसी से शुरू होती है, टेस्ट मिलके फिर कंबाइन करना शुरू करता है। लेकिन अभी भी इसके ऊपर इतना काम होने वाला है कि नहीं है, बट आई एम प्लानिंग इंशाल्लाह कि सारी वीडियोस इसके ऊपर देंगे, जो लोग सीखना चाहते हैं आए वीडियोस देखें, नेट पे भी वीडियो अवेलेबल नहीं है, वो भी मैंने आजकल देखा लोगों को पता नहीं टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं लोगों का, लाइन लग था ये बस सिंपल दो तीन ऐसी बात करो, एक मिनट में टेस्ट रन करो, नीचे पीडीएफ में आउटपुट दो, बात खत्म। लेकिन आई विल ट्राई टू प्रेजेंट विद डिफरेंट एग्जांपल, हम जितनी भी टेस्ट हैं ये मैं फॉलो कर रहा हूँ, दो तीन प्रोफेसर को उनकी डेटा सेट मैंने ली है, उनको स्टडी कर रहा हूँ, उनके साथ ये डिवर करेंगे, बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट हो उन चीज़ों का। ओके जी, टूडे टॉपिक फैक्टर एनालिसिस, थोड़ी सी स्लाइड वर्डी है, इनको समझना जरूरी है क्योंकि इसके बगैर हम आगे नहीं चल पाएंगे। फैक्टर एनालिसिस इज ए मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग ए स्ट्रक्चर ऑफ फैक्टर और डायमेंशन दैट अंडरलाइन द रिलेशन अमंग अ सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स। अब ऑब्जर्व्ड और अनऑब्जर्व्ड के बारे में तो बहस करना नहीं बनती, ऑब्जर्व जिसको हमने डायरेक्टली ऑब्जर्व किया और उसके थ्रू हम अनऑब्जर्व को यही कहते हैं, लास्ट क्लास में काफी डिस्कशन हो चुकी हुई है कि ऑब्जर्व वेरिएबल जो लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं और लोग उस क्वेश्चन के रिस्पांस में आंसर जब करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व वेरिएबल। फैक्टर एनालिसिस इज अ टेक्निक दैट ट्रांसफॉर्म द कोरिलेशन अमंग ए सेट ऑफ ऑब्जर्व वेरिएबल। अब ये बात ध्यान रखिएगा जो नहीं कहीं पे भी लिखी मिलेगी कि कोरिलेशन अमंग ए सेट ऑफ ऑब्जर्व वेरिएबल इनटू स्मॉलर नंबर ऑफ अंडरलाइन फैक्टर्स, जो उनके दरमियान कोरिलेशन होती है, कोरिलेशन वेरिएबल की होती है। हम पहले वेरिएबल को कंप्यूट करते हैं, मतलब जो पांच छह आइटम्स होती हैं उनको कंप्यूट करके हम उसके टर्म निकालते हैं, फिर भी कोरिलेशन हम करते हैं। और फैक्टर एनालिसिस ऐसा नहीं करता, फैक्टर एनालिसिस कंप्यूटर वो एटम का कोरिलेशन निकालता है, एटम का आइटम के साथ कोरिलेशन निकालता है, कहता है फैक्टर एनालिसिस टेक्निक दैट ट्रांसफॉर्म द कोरिलेशन अमंग ए सेट ऑफ ऑब्जर्व वेरिएबल इनटू स्मॉलर नंबर ऑफ अंडरलाइन फैक्टर्स व्हिच कंटेन ऑल द एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द लीनियर इंटर रिलेशनशिप अमंग ओरिजिनल टेस्ट स्कोर्स, के उनके दरमियान जो कोरिलेशन होती है, उनके दरमियान जो वो वैल्यू को कंटेन करता है उसकी बेस पे वैल्यू निकालते हैं। इसके निकालने का तरीका है कि इसको स्केयर किया जाता है, स्केयर करने के बाद जमा किया जाता है, वो फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मकसद सिर्फ ये है कि ये कोरिलेशन की बिना पे है, इट मीन कि अगर आपने फैक्टर एनालिसिस परफॉर्म करना है तो आपकी आइटम्स के दरमियान कोरिलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। और मैं जब ये बात लोगों से करता हूँ लोग कहते हैं ये क्या बकवास है, मैं क्यों कहता हूँ कि फैक्टर एनालिसिस प्रूव ही नहीं हो सकता जब तक आपके स्केल के ऊपर लोगों ने आंसर एक ही तरह के ना दिए हो। देखिए ना, जब मेरे क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे पूछा है, आपने अगर आंसर प्रेजेंट किया है 7 पे, तो अल्टीमेटली 6, 5 पे आंसर आना चाहिए। तो जब मैं इस तरह के क्वेश्चन फिल होंगे, 95% लोग इस तरह का डाटा देंगे, तो उनके दरमियान आपस में क्या होगी, कोरिलेशन। और जैसे ही आधे लोगों ने क्वेश्चन और फिल किया, आधे लोगों ने क्वेश्चन और फिल किया, 1, 2, 3, 5, 6, 7 उनके दरमियान तो कोरिलेशन ही होगी, जब कोरिलेशन नहीं होगी तो फैक्टर एनालिसिस प्रूव नहीं होगा। जब मैं लोगों को बात करता हूँ कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, भाई कोरिलेशन होना जरूरी है, और इसके लिए मैं अगले टेस्ट में बताता हूँ कि एटलीस्ट 0.3 रिलेशनशिप होगा तो आपका फैक्टर एनालिसिस आना है। आपने जब भी फैक्टर एनालिसिस को परफॉर्म करना है तो तमाम आइटम हम रेलेवेंट दूसरे वेरिएबल के नहीं, आपस में 30% मिलनी चाहिए। बाकी बाद की बातें, फिर 50% पे भी जाऊंगा, 70% पे भी जाऊंगा, पर इनिशियली फिर लगाने के लिए आप लोगों को 0.3 कोरिलेशन होना जरूरी है। इसमें आइटम टू आइटम, आइटम क्या, जॉब सेटिस्फेक्शन पे 5 क्वेश्चन पूछे, 5 क्वेश्चन की आपस में कोरिलेशन। मैं बाकी की बात नहीं कर रहा, बाकी से वो डिस्क्रिमिनेट होना चाहिए, बाकी के साथ अलग नहीं है, लेकिन कन्वर्जेंट तौर पर इनकी आपस में जो कोरिलेशन है वो 0.3 से ज्यादा होना चाहिए। तो कोरिलेशन की बिना पे फैक्टर एनालिसिस रन होता है। अगर आपके कोरिलेशन रिजल्ट अच्छे हैं, पहले ऐसे देखें कोरिलेशन अच्छे आ रहे हैं इसका मतलब ये फिर ठीक लगेगा, जैसे कोरिलेशन ही कम आ गए आपकी वो आइटम कभी भी नहीं करेगी। अब ये नहीं कि जॉब सेटिस्फेक्शन को जॉब कमिटमेंट के साथ कंपेयर करें, वो हम कंपेयर करते हैं, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन का कोरिलेशन जॉब सेटिस्फेक्शन की आइटम के साथ बेहतर होना चाहिए, बना फायदा नहीं। फैक्टर एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स एंड अंडरलाइंग लेटेंट फैक्टर्स, वो फैक्टर जिनके अनऑब्जर्व्ड होते हैं उनके आपस में रिलेशनशिप को टेस्ट करता है, उनकी वैल्यू को निकालने की कोशिश करता है। डिफरेंट इंडिकेटर्स जब आपने पर्टिकुलरली एक सिनेरियो पे लोगों से क्वेश्चन पूछे,
एक वेरिएबल पे चार क्वेश्चन पूछे, उन चार क्वेश्चन की फर्क है अपनी अपनी, बाकी के साथ भी कोरिलेशन जरूर होगी लेकिन वो वीक होनी चाहिए क्योंकि उससे डिफरेंट है ना वो आपस में। मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन कहते हैं जब हम लोगों से पूछते हैं कि आप कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे, हाँ मैं कंप्यूटर इस्तेमाल करूंगा, वो कहते हैं जब आप आपके दोस्त के घर जाएंगे वहाँ कंप्यूटर पड़ा हुआ इस्तेमाल करेंगे, मैं कंप्यूटर इस्तेमाल करूंगा, ये क्वेश्चन एक ही तरह के पूछ रहे हैं इनकी एटलीस्ट कोरिलेशन आपस में स्ट्रांग हो ना। मैं पॉइंट थ्री बोल रहा हूँ कि स्टार यहाँ से है वरना पॉइंट सेवन तक लोग जाते हैं। फैक्टर एनालिसिस इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मॉडलिंग। फैक्टर एनालिसिस एक्सप्लोर द इंटररिलेशनशिप अमंग वेरिएबल टू डिस्कवर इफ दोज वेरिएबल कैन बी ग्रुप इनटू अ स्मॉलर सेट ऑफ फंडामेंटल फैक्टर्स। मेनी वेरिएबल आर रिड्यूस्ड ग्रुप इनटू अ स्मॉलर नंबर ऑफ फैक्टर्स, दीस वेरिएबल रिफ्लेक्ट द कैजुअल इंपैक्ट ऑफ लेटेंट अंडरलाइंग फैक्टर्स। आप क्या करते हैं तमाम जितने भी वेरिएबल आइटम होती है जो ग्रुप बना रही होती है उनके दरमियान कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ग्रुप कर देते हैं, फिर उस पूरे ग्रुप का इम्पैक्ट चेक किया जाता है। ये बेसिक बातें कर रहा हूँ जो फैक्टर एनालिसिस के पीछे लाया करती है, लेकिन हमारी नजर में फैक्टर एनालिसिस ये है कि हर वेरिएबल के तमाम क्वेश्चन अपने अपने आइटम पर वेरिएबल पे लोड हो दूसरे वेरिएबल पे लोड ना हो, अगर सिंपल बात है, लेकिन ये बेसिक बिहाइंड द चीज डेफिनेशन है वो मिसाल। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर डीलिंग विद मल्टीपल वेरिएबल, जब आपके पास काफी सारे वेरिएबल होते हैं तो ये टेक्निक आपको बताती है कि क्या वाकई ही ये वेरिएबल डिफरेंट है कि नहीं। देखिए अब मुझे पता है कि जॉब सेटिस्फेक्शन के ये 10 क्वेश्चन हैं, मुझे पता है जॉब कमिटमेंट के 5 क्वेश्चन हैं, मुझे पता है ऑर्गेनाइजेशन रिवार्ड के 6 क्वेश्चन हैं, एसपीएसएस को नहीं पता। जब हम ईएफए या सीएफए लगाएंगे उसको सारा डाटा देंगे, वो हमें बताएगा कि ये वाले 10 क्वेश्चन फलां फलां हैं, वो उसको नहीं पता ये जॉब सेटिस्फेक्शन, उसको ये पता ये फैक्टर 1 है, ये फैक्टर 2 है, ये फैक्टर 3 है। अगर हमारा डाटा अच्छा है, अगर हमारे डाटे में किसी किस्म की वैलिडिटी रिलायबिलिटी का इशू नहीं है, तो वो हम क्या करते हैं आज मैं दिखाऊंगा कि हम जब भी डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन है JS1 JS2 JS3 हम नाम देते हैं, वो नाम की बिना पे फैक्टर नहीं निकालता, वो फैक्टर खुद निकालता है और हमें वो वेरिएबल जब इकट्ठे नजर आते हैं जिसका मतलब ये कि एसपीएसएस ने साबित कर दी मेरी सोच। लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं आपने नाम तो पहले दे दी JS1 2 3 उसने नाम की बिना पे फैक्टर इकट्ठे कर दिए, तो आज हम उसको जब परफॉर्म करेंगे तो फिर पता चलेगा हाउ टू। पहले एक्सपीरियंस है आप लोगों किसी का ईएफए के साथ डील करने का माइनर इशू पे? एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर एनालिसिस मीन के अभी इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा, आप इसको बाद में स्टडी कर लें। एक्सप्लोर डाटा फॉर पैटर्न, डाटे में पैटर्न किस किस्म से एग्जिस्ट करता है। डाटा रिडक्शन, अल्टीमेटली जब भी स्केल डेवलपमेंट में जाते हैं 20 30 40 क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर हम डिलीट करते 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 2 3 4 5 स्केल पे जाते हैं कि 5 आइटम इस वेरिएबल को एक्सप्लेन करते हैं। जब भी कोई भी स्केल ड्रग देखेंगे उसके 20-20 आइटम है। अभी वेबसाइट क्वालिटी की जिस बंदे ने ड्रग दी उसने 15 आइटम दी, लेकिन मसलसल वक्त के साथ साथ लोगों ने ये आइटम इसके साथ ले लिए, अभी 3 या 4 आइटम बाकी बची हैं। तो ये डेटा रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। कंफर्म हाइपोथेसिस ऑफ फैक्टर स्ट्रक्चर, के हमारा फैक्टर स्ट्रक्चर प्रूव हो रहा है, डेटे में वैलिडिटी है, अगर वैलिडिटी नहीं होगी तो हमारा फैक्टर स्ट्रक्चर प्रूव नहीं होता, उसको कंफर्म करता है। एंड थ्योरी टेस्टिंग, अल्टीमेटली अगर आपने थ्योरी टेस्ट करनी है तो आपका उससे पहले फैक्टर एनालिसिस स्ट्रक्चर जो है वो प्रूव होना जरूरी है। ओके, हाउ वुड यू ग्रुप दीज आइटम्स, ये समझे क्वेश्चन है तो इनको कौन को ग्रुप करेंगे आपस में, कोई कैरेक्टरिस्टिक कॉमन नजर आ रही है? आई थिंक इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मिला सकते हैं क्या? रह रहे ग्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं और अब ये क्वेश्चन आइटम है, अब ऐसा नहीं हम कर सकते। अब आप सोच रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली ये टेक्निक्स हैं, कोई बालों की बिना पे ग्रुप करेगा, कोई ग्लासेस की बिना पे ग्रुप करेगा, कोई स्माइल की बिना पे ग्रुप करेगा, कोई फेस की बिना पे, दीज आर डिफरेंट टेस्ट। अब आपने किस बिना पे करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके डेटा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हम इसको ग्रुप नहीं कर सकते, इसके लिए आप लोगों को कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक चूज करनी पड़ेगी। अगर मोशेट देखें तो 1 2 2 तो फिर इसका स्टाइल बोले इसको क्या बोलते हैं, नहीं वो पोर्ट बोलते पोर्ट इसका है, इसका है और इसका है, ठीक है। स्माइल फेस पे इसको पुरानी स्माइल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो बेसिकली अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जब भी ईएफए सीएफए रन होता है तो आपका एसपीएसएस को वेरिएबल को नहीं पता, आपको उसका पता होता है कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक ठीक है तो अल्टीमेटली आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे।
बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो अभी इसको इसको देखने के लिए कि ईएफए करता क्या है या काम कैसे करता है ईएफए, मैं आपको ये बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। बाकी मैं ना वीडियो शेयर करता हूँ, मुझे अभी देर नहीं आ रहा कि वीडियो पड़ी है मेरी, एक रखी हुई है मैंने अभी देर में निकाली है। आप 50 गेंदे ले रहे हैं रबड़ की, और बिंग फिजिक्स की जो भी थ्योरीज हैं, अगर एक का 25 ग्राम वेट है, एक का 24 ग्राम वेट है, एक का 23 ग्राम वेट है, एक का 22 ग्राम वेट है, 21, आप ये पांच मुख्तलिफ टाइप की 25 मतलब मैं कह लो पांच पांच गेंद लेने, ये पांच साइजेस, तो ज्यादा फोर्स के साथ नीचे गिरेगा, अल्टीमेटली हैवी वेट, ज्यादा फोर्स, ज्यादा फोर्स जब ग्रेविटी उस पर लगेगी तो ज्यादा जंप करेगा, एग्री। अगर आपका फर्स्ट करें 21 ग्राम है ना, और 21 ग्राम के मुकाबले में 25 ग्राम आप लोग फेंकते हैं, 25 ग्राम गेंद की फेंकते हैं, तो 25 ग्राम की जो गेंद है वो ज्यादा ऊपर जाएगी एज कम्पेयर टू 21। मे बी मैं गलत हूँ, जब वापस आएगा तो ग्रेविटी फोर्स उसके ऊपर नेगेटिव होगा, ये कहती है कि सेम वो है, पर 21 और 25 आपस में सेम नहीं है, जो वेट अफेक्ट करता है। अगर वो पेंडोलम की एग्जांपल लें, जब वो बंदा फेसबुक पे देख रहा है तो खड़ा होकर ना वो पेंडोलम छोड़ता है, वो कहता है अगर हल्की सी भी इसके ऊपर फोर्स लगाई तो मेरे मुंह पे लगेगा। जापान में एक प्रोफेसर के अपने दांत तोड़े हुए हैं, उसने उसी को फायदा करते, उसकी फोर्स लगाई हुई थी। तो मैं कहता हूँ कि आप 25 5 5 मुख्तलिफ गेंद ले लें रबड़ के, जिनका वेट डिफरेंस हो। तो मेरा बिलीव ये है कि जब उनको फेंका जाएगा तो 21 वाले एक लेवल तक आएंगे, जो भी इनका लेवल है, फंस गए 5 फीट तक ऊपर आते हैं, तो जो 25 वाले हम बिलीव करते हैं कि हैवी वेट ज्यादा ऊपर जाता है तो अल्टीमेटली ऊपर आएंगे, एग्री करते हैं ना। ये 25 गेंद अगर हम फेंक देंगे तो जब इनको गिरता हुआ देखेंगे ना तो एक रिदम के साथ नीचे जाएंगे। इंटरनेट एंड आई आरंट टॉकिंग राइट नाउ, आई एम टॉकिंग टू यू। हम उनको उनको छोड़ देंगे। अभी मैं ना ट्री बेक के बाद आपके साथ वो एग्जांपल जो है ना शेयर करता हूँ, मैं उसको ढूंढता हूँ। वो गेंद जब फेंकते हैं ना, जब उधर फैक्ट्री से डन कैसे होता है, या ये देख रहे कि जब आप लोगों ने अक्सर सी प्लस प्लस यूज की, ये लोगों ने पुराने जमाने में उनके अंदर मैट्रिक्स का जैसा मूवी का कोई टेस्ट चलता होता था, ऊपर से नंबर नीचे गिराते हैं, या कभी आप लोगों ने ये देखा हो कि एक्सेल के अंदर कभी 10-15,000-20,000 रिस्पॉन्डेंट का डाटा चेक किया हो, हम एक्सेल के नीचे वाली कमांड दबा दें तो डाटा यूनिक होता है, लेकिन जो यूनिक होता है वो आपस में एक सिंपल पैटर्न बनना होता है। चलिए मैं इसकी वीडियो आपको दिखाता हूँ, आप समझ नहीं रहे कि होता क्या है, वो आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, उसमें गेंद फेंकेंगे सारे, लेकिन जो सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले वो सेम कंडीशन पे आपको नजर आ रहा होगा, वो आपस में बराबर चल रहे होंगे। नहीं कि अगर आप 21 वाले 5, 25 वाले 5, 21 वाले अपना ग्रुप लहदा दूर से नजर आएगा, फेंक देंगे ना उसमें, वो लहदा अपना अपना ग्रुप बना रहे होंगे। मकसद सिर्फ ये है कि जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती हैं ईएफए के अंदर, वो अपना ग्रुप अपना क्लस्टर लहदा बनाते हैं, बनिस्बत जिनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होती है। हमने कैरेक्टरिस्टिक की बिना, वो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग नहीं बताते, बल्कि डेटे में जब लोगों ने डाटा फिल किया होता है तो उस डेटे के अंदर कैरेक्टरिस्टिक की बिना वो डाटा इकट्ठा हो रहा होता है। नो डाउट लोगों की नजर में ऊपर की 77 टिक हुआ, नीचे भी 77 टिक हुआ, लेकिन जो स्पेशल स्टैटिस्टिक की है फिर इस्तेमाल होती है। हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लोग जब एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में आते हैं, कॉमन प्रॉब्लम इन पाकिस्तान बिकॉज हम एक कल्चर पे नहीं फोकस करते, वो भी बात है, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करता, ये कॉमन फिनोमेना है, लेकिन एटलीस्ट कुछ डेवलपमेंट हो रही है सोशल मीडिया आने के बाद, एटीट्यूड बदल रहे हैं। पर आपकी कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। अगर मेरा ये मौका है कि मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिफरेंट है, आप अगर शेयर कर देता हूँ, पर कहने का मौका ये कि ईएफए ना आपके डाटा में पैटर्न ढूंढता है, पैटर्न ढूंढता है। पैटर्न क्या होता है कि आपके 50 इंडिकेटर है, वो 50 के डाटे को रैंडमली रन करना शुरू कर देता है और देखता है कि इसमें से कौन से क्वेश्चन आपस में उनका मूव हो रहा है, वो जो जो आपस में हो रहे होते हैं उन 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 आइटम्स को अलग-अलग ग्रुप बना के शो करता है, ये फलाना आइटम आपस में मिलते हैं, ये फलाना आइटम आपस में मिलते हैं। अभी ये फिर हम इसको चेक करेंगे, तो बेसिकली हम देख के नहीं बता सकते अल्टीमेटली स्टैटिस्टिक की अब काम आएंगे। इसके लिए हम करेंगे पहले पायलट स्टडी कंडक्ट करेंगे,
जी पायलट स्टडी करने के बाद ही सारी टेस्ट लाएं, पायलट के बगैर बना प्रॉब्लम हो गया। हम ऐसे नहीं स्टूडेंट को तंग करते जाओ पायलट डेटा लेकर, फोकस ही सिर्फ ये होता है ताकि स्टूडेंट को बाहर नेशन आए, पहले पायलट में देखने की आइटम में प्रॉब्लम आ, हो सकता है लोगों को आइटम समझ ना आ रही हो, हम पहले इसे डिलीट कर दें, कोई और स्केल चूज कर लें। हाँ, जरूरी नहीं कि तमाम स्केल उस लेवल के लोगों को समझ आना शुरू हो। हम 50 के ऊपर स्टार्ट कर देते हैं, रन सब पे होता है, सेंसिटिविटी आ जाएगी ना, फिर वो सेंसिटिविटी ऑफ डेटा पे वो भी हमें फिर चेक करनी है ना। ये तो नहीं है कि आप लोग कहें कि बैटली टेस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट आए 50 के साथ, वो फिर इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए। ज्यादा डेटा पे सिग्निफिकेंट है ठीक है, उस पर वो जवाब दे देता है, पर कम डेटा पे तो इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए। वो वो भी हम जब रन करेंगे तो उसमें सारे स्टेप आएंगे। ओके जी, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस कंफर्मेटरी, ये चार किस्म के मेजरमेंट मॉडल टेस्ट हैं, एक्सप्लोरेटरी कंफर्मेटरी मल्टी ट्रेड मल्टी मॉडल टेस्ट है और हायरार्किकल कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस है, बट हमारा पार्ट है एक्सप्लोरेटरी और कंफर्मेटरी। बाकी टास्क यूज होते हैं मुख्य कैरेक्टरिस्टिक करना। बाकी ये जो मल्टी ट्रेड की बात की है, मल्टी ट्रेड मल्टी मैथड, ये मल्टी मैथड नहीं लेकिन मल्टी ट्रेड मतलब डिमेंशन स्केल के साथ बात करेंगे, ग्लोबल स्केल होता है, फेसर स्केल होता है, आज हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, सेकेंड ऑर्डर सी एफ ए परफॉर्म करेंगे। ओके जी, डिफरेंस क्या है एफ ए सी एफ ए में, हम उसको जब देख लें। एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस कंसर्न्ड विद हाउ मेनी फैक्टर्स आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग ए सेट ऑफ वेरियस इंडिकेटर्स एंड विद एस्टिमेशन ऑफ फैक्टर लोडिंग इट इज एसोसिएटेड विद थ्योरी डेवलपमेंट। आपने ये देखा कितने फैक्टर हैं जो थ्योरी को रिलेट करते हैं, थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी के मुताबिक फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी लोडिंग दी जाती है। कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस कंसर्न्ड विद डिटरमिनिंग इफ द नंबर ऑफ फैक्टर कंफर्म टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्री एस्टैब्लिश्ड थ्योरी द डू एटम लोड एज प्रेडिक्टेड ऑन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैक्टर। हम अपने जो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस करते हैं तो हम ये बिलीव करते हैं कि तमाम फैक्टर लैदा लैदा लोड होंगे, आप वाली बात कि हमने डिफरेंट जगह से उठाया था, हम कहते लैदा लैदा आना चाहिए, लेकिन आपने स्केल ही सेम टू सेम उठाया तो आप क्या करेंगे, सारे आइटम डाल दिए, देखें क्या वाकई मेरी थ्योरी मेरे फैक्टर वैसा ही बन रहा है जैसा कि पहले का बना हुआ है, तो कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। अगर आपने मुख्तर जगह से लिया वो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस है। मेरी बात समझे नहीं, डिफरेंस तो यही है कि जहां थ्योरी डेवलप होती है एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस मतलब क्वेश्चन डेवलप होता है, जहां पे क्वेश्चन टेस्ट होता है सीएफएल, लेकिन इसके बावजूद वो कहता है कि जब आपको पहले से पता है कि इस वेरिएबल का ये स्ट्रक्चर प्रूव है और सेम टू सेम आप जानना चाहते हैं वो सीएफए, अगर आप उसके अंदर कुछ वेरिएबल मिला के रन करते हैं तो है तो वो एफए, लेकिन अल्टीमेटली वो भी सीएफए की तरफ मूव कर देगा। एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस क्या है जी, आपके सामने ये इमोज के पॉइंट ऑफ व्यू से शक्ल दिखा रहे हैं कि हम क्या करते हैं, ये चार वेरिएबल्स हैं, एरर सब में हमने लास्ट बताया था कि एरर हर एक के अंदर होता है, हम एरर को इंडिकेट करते हैं, हमने देखना दो फैक्टर्स। हम क्या करते हैं अगर हम इमोज की बात करें, हम जो फैक्टर्स होते हैं फैक्टर वन है फैक्टर टू है, अब हम क्या करते हैं इनको सबके साथ रिलेट कर देते हैं, हम कहते हैं कि ये वाला वेरिएबल जो कि अनऑब्जर्व्ड है और ये कौन सा है ऑब्जर्व्ड है, ये वेरिएबल अब इन चार में से कहते हैं इन चारों में एक स्प्रेड होता है, ये इसमें एक स्प्रेड होता है, स्टैटिस्टिक बताएगी कि इसमें से कौन से रिलेशनशिप इन चारों में से फैक्टर वन के साथ है, कौन से रिलेशनशिप जो है वो फैक्टर, हमने तो यही जून करना है कि ये फैक्टर सबके साथ है ये फैक्टर, लेकिन स्टैटिस्टिक बताएगी कि इसके अंदर कौन से आते हैं इसके अंदर कौन से आते हैं। तो कहता है कि इन ईयर फेदर रिसर्चर इज अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप अमंग आइटम्स टू डिटरमिन इफ द आइटम कैन बी ग्रुप्ड इनटू अ स्मॉलर नंबर ऑफ अंडरलाइन फैक्टर, ग्रुप किया जा सकता है, हम यही ज्यूम करते हैं तो उसका ये चारों का ग्रुप होगा, लेकिन स्टेप बताइए नहीं ये दो एरो खत्म कर दो इसका इसके साथ तल्लक नहीं है, या क्या होगा अगर इस वेरिएबल का इनके साथ रिलेशनशिप है इसकी दोनों की फैक्टर लोडिंग ज्यादा आएगी और इन दोनों के साथ फैक्टर लोडिंग क्या आएगी और इसकी इधर फैक्टर लोडिंग ज्यादा आएगी और इन दोनों के साथ क्या आएगी अल्टीमेटली एक नो डाउट एक फैक्टर दूसरे फैक्टर में भी रोल प्ले कर रहा होता है, जिससे हम लोग कहते हैं इधर भी सेवन है उधर भी सेवन है, लेकिन कहां पे उसकी आपस में कोरिलेशन या लोडिंग ज्यादा है हम उन चीजों को फैक्टर जो है ना चेक करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है जी उसमें इन दिस एनालिसिस ऑल आइटम्स आर अज्यूम्ड टू बी रिलेटेड टू ऑल फैक्टर्स, ये ज़हन में रखिएगा तमाम फैक्टर बराबर है, हमने देखने इसमें ग्रुप कैसे बनते हैं। अब यहां पर वो उसी डायग्राम को है कि ये जो ऊपर दिया हुआ फैक्टर है ठीक है, ये जो इसके ऊपर वैल्यूज निकलेंगे जब हम इमोशनल करेंगे इस पर वैल्यू आ जाएगी वो क्या कहलाएंगी लोडिंग, तो ये क्या होंगी
एटम और ये जो आपस में होंगी ना, देखिए आप यहाँ पे क्या आ रही 0.714, तो इधर कितनी आ रही 0.00, तो ये भी तो फैक्टर लोडिंग है ना, लेकिन जिनकी लोडिंग स्ट्रांग होगी, देखिए स्ट्रांग है ना, स्ट्रांग है वो उसके साथ रेटिंग है, और जिनकी लोडिंग वीक है और इधर स्ट्रांग है, मतलब उधर वीक है उधर स्ट्रांग है, इसका मतलब वो ये वेरिएबल क्वेश्चन उसके साथ रिलेटेड है, ये क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है, ये फैक्टर लोडिंग की वैल्यूज को भी हमें देखना होता है। हायर फैक्टर लोडिंग जिसके साथ होंगी वो आइटम उसके साथ बिलोंग करती है, मतलब ये क्वेश्चन के ऊपर लोडिंग इसकी ज्यादा है तो इसका ये क्वेश्चन है, इधर ये ग्रुप कर रहा है उधर वो ग्रुप नहीं कर रहा, अभी हमें मोस्ट में इसको अभी हम इसके तक नहीं आ रहे, अभी ये बता रहे कि फैक्टर लोडिंग क्या, बाद में बात करते हैं। क्रॉस लोडिंग का मतलब ये है कि ये इसकी लोडिंग है ना, जिसके ऊपर क्रॉस लोडिंग तो आ रही है, क्रॉस लोडिंग आ रही है, लोडिंग होगी ये उसकी क्रॉस लोडिंग है, और क्रॉस लोडिंग जितनी भी है वो कम होनी चाहिए, वो हम ज्यूम जी साहब से बात करें 0.4 से मैं काम देखता हूँ, मुझे लोडिंग 0.5 से ज्यादा चाहिए, 0.5 अगर 0.7 से ज्यादा चाहिए लोडिंग, लेकिन क्रॉस लोडिंग 0.4 से कम चाहिए जल्दी। हमेशा ऐसा ही होता है। अब मैं जो अपना PhD का जो काम कर रहा हूँ उसके अंदर मैंने जो स्केल डेवलप किया है वो मैंने कैरेक्टरिस्टिक उठाई है 1997 में बुक लिखी थी प्रोफेसर ने, फिलासफी के प्रोफेसर ने, मेरा फिलासफी से तलक नहीं है लेकिन प्रोफेसर ने डाल दिया उसमें। अब वो करेक्टरिस्टिक्स हैं कि किसी भी बंदे को अगर एथिकल जजमेंट लेनी है ना तो मुख्य थ्योरी है थियोलॉजिकल ओंटोलॉजिकल एथिक्स या विचुअल एथिक्स, मैं विचुअल एथिक्स पे काम कर रहा हूँ तो उसके अंदर उस प्रोफेसर ने जो थ्योरी जो दी है उसमें यह है कि हमने क्या करना है, स्केल डेवलपमेंट होती कैसे है, आप पहले फैक्टर आइडेंटिफाई करते हैं फिर उस फैक्टर को डिफाइन करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं उसकी, करेक्टरिस्टिक कौन सी है लिटरेचर में, उसकी बिना पे आप खुद से क्वेश्चन लिखते हैं, जब वो क्वेश्चन लिख लेते हैं 10-10, 15-15 तो फिर हम लोगों से फिर सैम्पलिंग करवाते हैं मुख्तलिफ लोगों से, फिर उसको एक फिर में डालते हैं, फिर वो देखते हैं कि ग्रुप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये जो आपने बात की मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि मैं भी ऐसा ही करने वाला हूँ, हम ऐसा ही करते हैं और ऐसा ही होता है कि आप खुद से क्वेश्चन बना लें, आप अगर बने बनाए क्वेश्चन भी लिए तो आपने यही करना है, आप डांट देखिए फैक्टर आइडेंटिफाई तो अभी मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मैं आपके सामने नाम चेंज कर दूंगा उनके, जो लोगों के दिन में बहुत बड़ा बैठा हुआ है आप नाम लिखते हैं इसलिए वो फैक्टर इकट्ठे आ जाते हैं, हम नाम चेंज कर देंगे, हम ABCDEFG रख देंगे, लेकिन वो क्वेश्चन को उठा कर बताएगा कि ये 5 क्वेश्चन आपस में मिलते हैं, मुझे नहीं पता ये क्या है, फिर हम जाते हैं उन क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन पे ये क्वेश्चन क्या था, हाँ भी सेटिस्फाई, ये तो सेटिस्फेक्शन का फैक्टर बन गया, लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए कि बाद में जो जाके क्वेश्चन पढ़ना है हम कहते हैं JS 1 2 3 ठीक है, जॉब कमिटमेंट JC 1 2 3, तो उससे क्या होता है कि वो फैक्टर हमें पास आ जाता है, हाँ ये फैक्टर उसी तरह बना रहा है जैसा हम चाहते हैं। ओके जी, मेजर वेरिएबल इंडिकेटर्स ये तो पता है आपके सामने जो हाईलाइट नहीं है, हाईलाइट है ये तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं ना, ये मेजर वेरिएबल है, ये हमेशा किस में होंगे, रेक्टेंगल शेप के अंदर होंगे, इनके साथ एरो लगा होता है, ये आइटम होते हैं, ये नंबर ऑफ क्या है क्वेश्चन है आपके, ये फैक्टर्स हैं, ये आपके वो लेटेंट वेरिएबल है जो कि अनऑब्जर्वड है और ये ऑब्जर्व करने होते हैं इनके थ्रू, ये आपके जो कि अनमेजर्ड और लेटेंट वेरिएबल्स हैं और ये हम लोगों को एलिप्स की शक्ल में इसको जो है शो करते हैं। फैक्टर लोडिंग जो आपके एरोज होते हैं ये फैक्टर लोडिंग होती है कि इसका इसके ऊपर कितना लोड हो रहा है और ये इसके ऊपर कितना लोड हो रहा है, ठीक है ना, तो ये जो होगी लोडिंग होगी जो स्ट्रॉन्ग होगी जो ऊंची है वो क्रॉस मतलब दूसरी तरह से लोडिंग इसके ऊपर आ रही है, क्रॉस लोडिंग में चले जाएंगे और ये वैल्यू जो लोडिंग की होती है -1 और +1 के दरमियान होती है, द क्लोजर द वैल्यू इज टू 1 पॉजिटिव और नेगेटिव, द स्ट्रॉन्गर द रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर एंड एटम, लोडिंग कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव और स्ट्रॉन्ग लोडिंग मीन स्ट्रॉन्गली वो उस क्वेश्चन के साथ उस फैक्टर के साथ वो रिलेट कर रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, क्या करे जी बना रहे होते ऐसा नहीं आजकल वैसे नए जो लीनियर रिग्रेशन आ रही है उसमें यही है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन ज्यादा थिक होता है, वीक रिलेशन ज्यादा वीक होता है, जो नए लीनियर मॉडल आ रहे हैं ना स्पेसेस में उसमें ऐसा ही है। ओके जी, फैक्टर लोडिंग, नोट द डायरेक्शन ऑफ द एरो, द फैक्टर आर थॉट टू इन्फ्लुएंस द इंडिकेटर नॉट वाइस वर्सा,
फैक्टर उनके ऊपर जाते हैं, मतलब फैक्टर इनके ऊपर आते हैं, ये एरो इस तरफ भी जाएंगे, ये एरो वापस किधर, ये एरो इस तरफ भी आएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। जब एरो इस तरफ आते हैं ना, एरो इस तरफ आते हैं, मतलब ये क्या है, ऑब्जर्व वेरिएबल है, ये कौन सा वेरिएबल है, ऑब्जर्व वेरिएबल है, ये फैक्टर इनसे ऑब्जर्व हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव फैक्टर, रिफ्लेक्टिव मैयर, ये मेरे स्लाइड में नहीं आएगा, तो लिख लें कि ये फैक्टर इन क्वेश्चन से मैयर हो रहा है, तो एरो उस तरफ जा रहे हैं ना, तो ये रिफ्लेक्टिव मैयर है, रिफ्लेक्टिव मैयर बोलेंगे या रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव स्केल ही बोल सकते हैं इसको, रिफ्लेक्टिव बस ये कि रिफ्लेक्टिव अगर ये एरो वापस आ जाएंगे तो वो लॉजिक थ्योरी बेस लॉजिक होगी उनके पीछे, आउटकम है ये, जब वापस आ जाएंगे फिर हम ये करेंगे इसके इसके ऊपर कितना फैक्टर, अभी हम ये चेक करें ये इनकी वजह से है, इट मीन वी आर गोइंग टू मेजर फैक्टर वन ऑन द बेस ऑफ दीज आर ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स, दीज ऑब्जर्व फैक्टर, तो जब एरो इस तरफ से हो मतलब अनऑब्जर्व से ऑब्जर्व की तरफ हो, तो ऐसे मेजर को ऐसे स्केल को या ऐसे फैक्टर को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव फैक्टर है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट करें इधर फैक्टर की तरफ एरो आ जाए तो बेसिकली वो चेंज होता है, मतलब मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ, अगर मैं ये करूँ एक्सप्लेन, अगर मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूँ, I used to have oatmeal in the morning to control my diet. I perform exercise daily to control my diet. I eat in very manageable way to control my diet. तो तीनों में हमारा एक ही मकसद है कि क्या आप डाइट कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। It means ये फैक्टर में जो भी इनमें से तीन या दो क्वेश्चन होंगे वो इसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो ये बेसिकली ये फैक्टर मेरी डाइट कंट्रोल इन क्वेश्चन की वजह से मेजर हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्टिव है। लेकिन दूसरी तरफ होता है आई ऑफनली विजिट टू कंट्रोल माई डाइट, आई ऑफनली विजिट कहते हैं आई यूज एक्सरसाइज, लेकिन वो फैक्टर में ये नहीं होता, बल्कि ये देखते हैं कि डाइट का उसकी डाइट पे कितना इफेक्ट आया, डॉक्टर के पास जाने का उसकी डाइट पे कितना इफेक्ट आया, उसकी स्टडी का उसकी डाइट, तो उसमें हम लोग आईवीडीवी की शक्ल में चले जाते हैं। जब आईवीडीवी शक्ल हो जाएगा फिर ये वाला आईवी है तो ये डीवी है, फिर एरो क्या होगा इधर से उतर जाएगा, तो उस स्केल को उस मेयर को या उस फैक्टर को हम बोलेंगे फॉर्मेटिव फैक्टर, जो है फॉर्मेटिव मेयर के नाम से नाम देंगे उसको। ये जो बेसिकली लोडिंग होती हैं ये हमेशा लेटेंट टू आप लोगों के ऑब्जर्व्ड वेरिएबल की तरफ होती है, कि रिफ्लेक्टिव फैक्टर्स होते हैं और ये वाइस वर्सा नहीं जाते, इसका मतलब है कि ये फैक्टर इन वेरिएबल की वजह से इन ऑब्जर्व्ड वेरिएबल की वजह से मेजर हो रहा है, मतलब हम इसको मेजर करके यहाँ पे वैल्यू करके कर रहे हैं। लेकिन जब दूसरी बात आती है तो फिर इसका फैक्ट इस पर चेक करना वो फॉर्मेटिव टर्म में जमा देता है। Each atom is being predicted by factor. हर फैक्टर बताता है मेरी कौन कौन सी आइटम मेरे से बिलोंग करती है, वो फैक्टर लोडिंग की बिना पे वैल्यू सामने आएंगे। फॉर्मेटिव हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिव है। एक्सप्रेस में रिफ्लेक्टिव भी करेंगे, लेकिन जब आप आईवीडीवी की शक्ल आ जाएंगे वो फॉर्मेटिव शक्ल है, लेकिन जब आप इसको स्केल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो रिफ्लेक्टिव व्यू में आता है।